हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा बैक रूम्स की पांच ऐसी लेवल्स जो कि सबसे ज्यादा फेमस है और काफी पसंद भी की जाती है। जाते जाते एक दो बोनस लेवल्स भी बताता जाऊंगा जिनके लिए मुझे कमेंट्स में कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रही थी। सो स्टार्टिंग विद लेवल जीरो, द ट्यूटोरियल लेवल। बैक रूम्स की शुरुआत ही इस लेवल की वजह से हुई थी और इसीलिए लेवल जीरो आसानी से सबकी फेवरेट लेवल बन जाती है। बात करें इसकी अपीयरेंस के बारे में तो ये लेवल एक इन्फिनाइट भूल भुलैया मानी जाती है जो कि पूरी तरह पीली रंग की दीवारों में घिरी है। छत पर लगे फ्लोरेसेंट लाइट्स के पैनल हमेशा बजिंग नॉइस प्रोड्यूस करते हैं और जमीन पर बिछे कारपेट्स हमेशा गीले ही रहते हैं। वैसे तो इस लेवल में एंटिटीज मिलना काफी रेयर होता है, लेकिन चांसेस है कि आपका सामना यहाँ रहने वाले बैक्टीरिया से हो जाए। अगली है लेवल 37, सबलिमिटी, जिसे द पूल रूम्स भी कहते हैं और ये जानी जाती है अपने सेफ और सुंदर इन्वायरमेंट की वजह से। इनफैक्ट इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेवल्स में भी काउंट किया जाता है। ये लेवल बहुत सारे रूम्स, हॉल्स और कॉरिडोर से मिलकर बनी है, जिसकी स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह पर साफ पानी भरा हुआ है। देखने से ऐसा लगता है मानो पूरी लेवल में बाढ़ आ चुकी है, जो कि इस लेवल में बहुत ही यूनिक वाइब को ऐड करती है। और सबसे अच्छी बात, इस लेवल में कोई भी एंटिटी नहीं होती, तो आप बिना किसी डर के जितना चाहो इस लेवल को एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जो मानसिक तौर से कमजोर है, क्योंकि ये लेवल थोड़ी आइसोलेटेड है तो मेंटली वीक लोगों को इस लेवल में ज्यादा देर तक रहने से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। बाकी अगर आप मेंटली वीक नहीं हो फिर तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अगली है लेवल एक्सक्लेमेशन मार्क, रन फॉर योर लाइफ, और ये लेवल बिल्कुल अपने नाम पे गई है। इस लेवल में स्पॉन होते ही आपके पीछे एंटिटीज का पूरा झुंड पहले से खड़ा होगा, जो कि आपको देखते ही आपके पीछे पड़ जाएगा और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जान बचा के भागो, और तब तक भागो जब तक आपको कोई एग्जिट नहीं मिल जाती। वेल, इसको समझने के लिए आपको इस लेवल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो ये लेवल बहुत सारे कॉरिडोर से मिलकर बनी है। देखने में ये कॉरिडोर्स बिल्कुल किसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स जैसे दिखते हैं और यहाँ पर हमेशा रेड कलर की लाइट्स जलती रहती है। साथ ही यहाँ के कॉरिडोर्स में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी रहते हैं जिनसे आपको बचना होता है, लाइक चेयर, बेड, गिरे हुए शेल्फ वगैरह वगैरह। कभी कभी इन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ही आपको एलिमेंट वाटर या एनर्जी बार भी मिल जाते हैं, जिनको आप भागते भागते ही कंज्यूम करके अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो। कभी कभी रेड लाइट की वजह से ये सप्लाईज आसानी से नहीं दिखती, तो कोशिश करना कि भागते समय आप इन सप्लाईज को मिस ना कर दो, सो डेट आप एग्जिट पर पहुंचने से पहले थकोगे नहीं और जिंदा किसी सेफ लेवल में जा पाओगे। अगली है लेवल लेटा हुआ स्माइली, फन, और ये वाली लेवल अपने नाम के विपरीत यानी ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर फन के नाम पर मौत का नाच होता है। इस लेवल में रहने वाले पार्टी गोवर्स ने इस लेवल का ऑनलाइन पेज हैक कर रखा है और इस लेवल को एक सेफ लेवल की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी जैसे ही आप इस लेवल में जाओगे ये पार्टी गोवर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको मार नहीं देते। इस लेवल की दीवारें पीची ऑरेंज कलर की होती है और उन दीवारों पर रैंडम कार्टून्स बने होते हैं। ऑल्सो यहाँ काफी सारे बलून्स और स्नैक्स भी रखे रहते हैं, तो अगर आपको ऐसा नजारा दिखे तो समझ जाना जान खतरे में है। बचने का एक ही तरीका है, पार्टी गोवर से दूर रहना और जितना जल्दी हो सके एग्जिट ढूंढ के बाहर निकल जाना। आखिरी लेवल 188, द विंडोज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को बैक रूम्स में इंटरेस्ट हो और उसने ये तस्वीर ना देखी हो। ये लेवल अपनी मिस्टीरियस वाइब्स की वजह से काफी फेमस हो चुकी है, बिकॉज इस लेवल को देखने से ही एक अजीब सा एहसास होता है जो कि ऑब्वियसली शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लेवल को हमारी फेवरेट लिस्ट में जरूर डाल देता है। वेल, अगर बात करें अपीयरेंस की तो ये लेवल किसी होटल की तरह दिखती है, जहां ज्यादातर खिड़कियां बंद रहती है और थोड़ी बहुत खिड़कियां जो खुली रहती है या तो वो खाली है या किसी दूसरी लेवल में ले जाती है। और रही बात एंटिटीज की, तो यहां पर दो एंटिटीज होती है, विंडोज और पेरिफेरल्स। विंडोज तो ये सारी है ही, पेरिफेरल्स एक्चुअली सेफ एंटिटीज होती है। ये सिर्फ आपको भूतों की तरह दिखाई देंगे लेकिन फिजिकली कोई चोट नहीं पहुंचाते। अब मैं बताऊंगा दो बोनस लेवल्स जो कि कमेंट सेक्शन में काफी रिक्वेस्ट की जा रही थी, जिसमें से पहली है लेवल 232, फील्ड ऑफ फॉरगॉटन फोर्ट्स। इस लेवल को देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी समय में यहाँ लोग रहते होंगे। यहाँ पर घर है, गाड़ियां हैं और खेत भी हैं, लेकिन घर टूट चुके हैं, खेत सूख चुके हैं और गाड़ियों में जंक लग चुका है। ये लेवल पूरी तरह खंडर हो चुकी है, मानो इस लेवल को भुला दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेवल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ के नजारे को सिर्फ देखने भर से हमारा दिल भारी हो जाता है और एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। आप इस लेवल में चाहे कहीं भी चले जाओ, आपकी आंखों के सामने हमेशा एक सुंदर नजारा मौजूद रहेगा और बिना किसी एंटिटी के ये लेवल पूरी तरह सेफ है, तो आप इस लेवल में जितना देर चाहो उतने देर तक रुक सकते हो। अगली है लेवल यू चीटेड, एंग्जाइटी अपराइजिंग। ये लेवल सिर्फ एक रूम कंटेन कर
करती है, जिसकी दीवारें येलोइश पीची कलर की है, जमीन ब्राइट ब्राउन कलर की और छत ब्राइट पिंक कलर की। यहाँ छत पर एक लाइट और सामने एक दरवाजा नजर आता है, जिसके अलावा इस लेवल में और कुछ भी नहीं है। ये लेवल एक मेंटल टॉर्चर है। इस लेवल में सिर्फ वही लोग आते हैं जो किसी दूसरी लेवल में चीटिंग करते हैं, और ये लेवल उनकी पनिशमेंट होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामने वाले दरवाजे से कोई अंदर आने वाला है और उसके आने के डर से लोग मेंटली हार मानने लगते हैं, जबकि उस दरवाजे से कभी कोई नहीं आता। इस लेवल की सिर्फ एक ही एग्जिट है, वो दरवाजा। जो कहां ले जाता है किसी को नहीं पता।